जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, क्लास 10th सोशल साइंस का फाइनली यहाँ पे 100% असली पेपर लेकर आ चुका हूँ। यह पेपर रुक जाना नहीं, परीक्षा पार्ट 2 दिसंबर 2024 का है। 100% असली पेपर होने वाला है आपका। दोनों वर्जन में इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में पेपर रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका 75 अंक का पेपर रहेगा, 3 घंटा समय रहेगा, 23 क्वेश्चन होने वाले हैं और यहाँ पे 8 पेज होने वाला है। सबसे बड़ा यहाँ पे सबूत मैं थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे पेपर की पहचान कैसे करना है। आप यहाँ पर देखोगे 300 आपका कोड होने वाला है, आप अपने एडमिट कार्ड में देख लेना। और अब पेपर कोड आपको पता ही होगा, सामाजिक विज्ञान का 300 होने वाला है। आर मतलब होता है रुक जाना नहीं, -10 मतलब क्लास 10th का यह पेपर है। यह 100% असली पेपर है। अब यहाँ पे आपको एक और बड़ा सबूत बता देता हूँ इस पेपर का सलूशन। देखिए विद्यार्थियों, आप अपना एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद, अपना एग्जाम देने के बाद आप कॉपी जमा करके आ जाते हो। इसके बाद आपके कॉपी के साथ क्या होता है आपको पता नहीं है, लेकिन क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपको आंसर शीट दिखाने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को, मैं जो इस पीडीएफ का उत्तर भी है और आपका वही आंसर शीट जिसे टीचर आपका कॉपी चेक करेंगे तो वही आप उन लोगों के हाथ में होता है और उसी से मिलान करते हैं। चलिए दिखाते हैं कहाँ है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देख सकते हो, यह आपको सामाजिक विज्ञान का आंसर शीट है। यह आपको पता होगा कि आप अपना कॉपी जमा करने के बाद घर आ जाते हो, लेकिन आपका जहाँ पे एग्जाम सेंटर के बाद आपका कॉपी जाँचेगी वहाँ पे जो टीचर जाँचेंगे उनके पास यही रिसिप्ट होती है और इसी को मिलान करते हैं। यदि इसके हिसाब से आपने उत्तर लिख कर आए हो तो आपको पूरा नंबर दे दिया जाता है। आप यहाँ पर देखा तो यही उत्तर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखोगे आर मतलब रुक जाना नहीं, क्लास 10th आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पेपर को दिखाई दे रहा है, उत्तर यहाँ पर ऊ लिखा है मतलब उत्तर है और A to Z यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा इस पेपर का, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। लास्ट में अच्छे से स्क्रीन शॉट लेना, अभी पेपर दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो A to Z सोल्यूशन है। चलिए मैं पेपर अच्छे से दिखा देता हूँ, इस बार लास्ट में सोल्यूशन दिखाता हूँ और आपको सभी सब्जेक्ट का इस वीडियो के कमेंट में जाकर देख लो, फिर लगा दिया हूँ और सभी वीडियो आप देख लेना। फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने उत्तर भी दिखा दिया और लास्ट में आप स्क्रीन शॉट ले लेना। चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कोड चलता हूँ। अपना निर्देश पढ़ना है तो पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ूंगा, लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए आप यहाँ पर देखोगे सही विकल्प को चुनकर लिखना है। एक एक अंक के 6 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले निम्नलिखित में से उपभोक्ता आधारित उद्योग है जो कि ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट उत्तर लगाऊंगा और आपके सामने चार चार ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन चार ऑप्शन में चारों ऑप्शन आपको पढ़ लेना है। मैं डायरेक्ट उत्तर लगाता हूँ, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट उत्तर लगाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर अ चीनी उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको 2 नंबर देख सकते हो, भारत का प्रमुख परिवहन साधन है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन, तो आपको बताना होगा कि आपको कौन सा प्रमुख साधन है। तो यहाँ पर आपको सड़क परिवहन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है, अ नंबर पे, इस तरीके से आपको लगा लेना। इसके बाद 2 नंबर आप यहाँ पर देखोगे, जनरल डायन का संबंध किस घटना से है, तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा। 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि ऑप्शन नंबर C पे है, ये लगा लेना। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 पे है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अगला क्वेश्चन जो कि 5 नंबर है, 5 नंबर GDP का पूरा नाम लिखना होगा, तो GDP का पूरा नाम आपको लिखना होगा, सकल घरेलू उत्पाद, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पर ही है। इसके बाद आपको चारों ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके से आपको लिखना होगा। पहला नंबर, 6 नंबर देख सकते हो, समानता है किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर लिखना होगा, तो आपको D नंबर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपको जिस तरीके से मैंने 6 नंबर बताया, तो यहाँ पे जिस तरीके उस तरीके से लिखोगे 6 नंबर आपको कोई रोक नहीं सकता पाने से, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट हुआ ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे मैं बोल दूंगा तो आप सुन लेना और लिख लेना, मैं लिखूंगा नहीं, वीडियो लंबी हो जाती है, बाकी लिखा लिखा है, वीडियो के लास्ट में उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ग्राम स्वराज की अवधारणा खाली स्थान की देन है, तो आपको यहाँ पर महात्मा गांधी लिखना होगा। इसके बाद आपको 2 नंबर देख सकते हो, ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तन कर खाली स्थान द्वारा ले जाया जाता है, तो पाइपलाइन यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन खालिस्तान में शुरू किया गया था, तो 1942 में शुरू किया गया था। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो 4 नंबर, खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर भारत लिखना होगा। इसके बाद 7 दिनों की रोजगार योजना को खालिस्तान कहा जाता है, तो मनरेगा कहा जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर नगर निगम का प्रमुख खालिस्तान कहलाता है, तो आपको यहाँ पर मेयर लिखना होगा यहाँ पे, जो कि वीडियो के अंत में लिखा लिखा है उत्तर मिल जाएगा। इंग्लिश वाले अपना स्क्रीन शॉट ले लेना है, बाकी सही जोड़ी देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सही जोड़ी अंक 6 नंबर है, 6 नंबर यहाँ से भी आपको मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन देख सकते हो, कालमा कालम्बा, इस तरीके से आपको बना लेना है बहुत अच्छे से ताकि पूरा नंबर मिल सके। पहला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन आपको बताना होगा,
आप किससे आपको ये हो जाएगा, तो आपको वन कटाई रोकथाम में आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इसका राइट आंसर आपको केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 नंबर पे है। इसके बाद नेपोलियन की हार कब हुई थी, तो ये बताना होगा, तो 1815 में हो गई थी। इसके बाद हिंद स्वराज, जो कि आपको 4 नंबर है, इसका राइट आंसर 1909 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो कि 5वां नंबर है, 5वां का राइट आंसर आपका पशु रोग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 नंबर पे है। इसका सूचना का अधिकार, तो आपको यहाँ पे सूचना का अधिकार लगाना है, तो सूचना का अधिकार आपको 2005 हो जाएगा, जो कि 1st नंबर पे है। इस तरीके से आपको हो गया सही जोड़ी। अगला इंग्लिश वाला स्क्रीन शॉट ले लेना है, बाकी सत्य सत्य यहाँ पर देखना है, बहुत अच्छे से लिखना है। यहाँ पे देख सकते हो जल एक नवीनीकरण संसाधन है, तो इसका राइट आंसर आपको लिखना होगा। तो आपको सत्य होगा तो मैं सही का चिन्ह लगाऊंगा, गलत होगा तो काट दूंगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तो पहला सत्य है तो मैं सही है तो सत्य है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये भी सत्य है। लाल टोपी तिरंगा और कलंगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, तो ये बताना होगा सत्य है। भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में लगाई गई थी, तो ये भी आपको सत्य है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, सत्य है। लोकतंत्र के नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं मिलता, ये गलत है, क्योंकि मिलता है, क्योंकि 18+ होने पर आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, तो अपना ये सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द उत्तर लिखना होगा, तो बहुत अच्छे से लिखना लेना है, बाकी लिखा लिखा है वीडियो के अंत में मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे बोल दूंगा तो आप लिख लेना है। तो फाइनली विद्यार्थियों, यहाँ पर एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया और बाकी 1 से 4 तक तो बता दिया, 5 से देख सकते हो। तो मैं इसका उत्तर लिखा लिखा है वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। मैं यहाँ से आपको क्या करूँगा कि मैं प्रश्न पढ़ के इसका उत्तर बता दूंगा। फाइनली विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो मैं पढ़ दूंगा, आप लिख लेना उत्तर ठीक रहेगा। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला नंबर है, इस स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आपको जेम्स हारग्रीव्स ने राइट आंसर हो जाएगा, वीडियो के लास्ट में लिखा लिखाया उत्तर मिल जाएगा। 2 नंबर है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो आपको बताना होगा संसदीय शासन प्रणाली, लिख लेना राइट आंसर। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल कहाँ स्थित हुआ, तो आपको यहाँ पे देख लेना है बहुत अच्छे से, नई दिल्ली। इसके बाद आपको कहाँ से स्थित है, इसके बाद कपड़ा उद्योग किस क्षेत्र में आता है, तो द्वितीय क्षेत्र लिख लेना है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो आपको बताना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक उसी को कहा जाता है, ठीक है ना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के संक्षेप में क्या कहते हैं, तो आपको आई टी लिखना होगा। इंग्लिश वाले अपना स्क्रीन शॉट ले लेना। प्रश्न क्रमांक 6 से स्टार्ट होता है, द्वंकी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, आपको क्या करना है इसका लास्ट तक देखना है। मैं आपको इसका उत्तर वीडियो लास्ट में दिखा ही दूंगा, बाकी प्रश्न पढ़ के इसका उत्तर बोल दूंगा, आपको लिखना है तो लिख लेना। पहला नंबर 6 नंबर देख सकते हो, समोच्च जुताई किसे कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा, ढाल वाले भूमि पर समोच्च रेखाएं के समांतर हल चलाने के ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखना होगा, तो वृक्षारोपण के 2 पहला नंबर हो जाएगा, वृक्षारोपण करना 2 नंबर हो जाएगा, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना, इस तरीके से 7 नंबर देख लेना। 7 नंबर इसका पहला नंबर हो जाएगा, दोंकी है आपको अथवा या कोई एक को लिखना होगा। नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना होगा, तो इसका हो जाएगा, ये संसाधन जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो कभी समाप्त नहीं होंगे, उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहते हैं, जैसे हवा हो गया, गैस हो गया, ऊर्जा हो गया, जल संसाधन, भूतापीय ऊर्जा, मतलब ये आपको हो गया कभी समाप्त ना होने वाली। इसके बाद काली मिट्टी की कोई 2 विशेषताएँ बताना होगा, तो पहला नंबर हो जाएगा, इस मिट्टी की अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है, और इसमें मिट्टी पोषण तत्व पर्याप्त मात्रा में होता है, मतलब कोई भी अन्य उसमें उपज जाता है, यह हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखना होगा, तो कृषि के कितने प्रकार हैं, पहला नंबर लिखना, मतलब 4 प्रकार होती है, प्रारंभिक जीविका खेती जो अपने घर में करते हैं, गहन जीविका कृषि, वाणिज्य कृषि, रोपण कृषि, 4 प्रकार की कृषि होती है। इसके बाद प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषताएं, तो पहला नंबर हो जाएगा, इसका उद्योग कृषि करके जीवन निर्वाह करना होता है। 2 नंबर हो जाएगा, यह कृषि जीविका चलाने परिवार का पोषण करने के लिए की जाती है। 9 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं, जो कि इसका उत्तर लिखना होगा, तो इसका हो जाएगा पहला नंबर, तो इसका नाम लिखना होगा, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, तो आप ये हो गया।
कच्चे माल के आधार पर दो उद्योग के नाम लिखना होगा, तो इसका भी आप लिख लेना बहुत अच्छे से। तो इसका आप बहुत मतलब कृषि उद्योग, खनिज उद्योग, बहुत सारा उद्योग इसका हो जाएगा। सॉरी, इसका उत्तर मैंने थोड़ा गलत बताया शायद। जो उद्योग जो लोगों के दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए काम आते हैं, उस उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी का उद्योग हो गया, मतलब कागज का उद्योग, अरे कारखाना, बहुत छोटे से सवाल है ये, देखिए ना, कच्चे माल के आधार पर दो उद्योग का नाम मैंने बता दिया। 10 नंबर देख सकते हैं, परिवहन किसे कहते हैं, ईजी की उच्चारण। वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। और यहाँ पे देख, बस बस परिवहन के साधन है, परिवहन नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। और आधुनिक युग में परिवहन तथा संचार आर्थिक विकास के विभिन्न अंग बन चुके हैं। सड़क परिवहन की कोई दो विशेषताएं, तो पहला नंबर लिखना होगा, सड़कों को बनाने में अन्य परिवहन साधन के अपेक्षा कम लागत होती है। कम वस्तुओं को ढुलाई, कम व्यक्तियों तथा कम दूरी के ये परिवहन में सड़क परिवहन ये होता है, अन्य परिवहन साधन कम खर्चीला होता है। इस तरीके से हो जाएगा 10 नंबर। 11 नंबर देख सकते हैं, 11 नंबर आपका है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। तो आप राष्ट्र मतलब होता है देश, ठीक है ना। एक देश को दूसरे देश मिलाने वाले मार्ग को आपको राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। इसका उत्तर आपको कैसे लिखना होगा, बहुत अच्छे से, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरदराज भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार होता है, मतलब मोदी जी करेंगे सिंपल बात। भारत में किन वस्तुओं का आयात मुख्य रूप से होता है। आयात मतलब होता है मंगवाना, मतलब भारत में दूसरे देश से किस वस्तु को मंगाता है, तो आपको लिख लेना है। क्लियर हो गया, मतलब मैं इसका उत्तर मैं आप कैसे लिखना है ये बताता हूँ। तो भारत में आयात वस्तुओं में कच्चे पेट्रोलियम तथा उद्योग रत्न जवाहर आधारित ये आपको हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो, राष्ट्रीय राजमार्ग बता दिया, भारत में किन वस्तुओं का आयात होता है ये भी मैंने बता दिया, पेट्रोल वगैरह मंगाते हैं यही आपको लिख लेना है। बाकी वीटो पावर देख लेते हैं, वीटो पावर का अधिकार आप बताना होगा, जो कि निषेधाधिकार को कहा जाता है। इसमें 15 देश मिलकर एक ग्रुप बनाए हैं, उसी को वीटो पावर कहा मतलब कहा जाता है। तो इसको आपको कैसे लिखना है, तो इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की सहमति से किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने के आधार बन जाता है। मतलब देखो, वीटो पावर है, वीटो पावर में 15 देश हैं, 15 देश में यदि 9 देश मतलब इसमें मतलब 15 के पास तो वीटो पावर है, इसमें से 5 परमानेंट हैं और आपको 10 परमानेंट नहीं है। तो आप मानो कि 5 परमानेंट है, इस 10 को बोल रहे हैं कि इसको प्रस्ताव को पास करो, इसमें के 5 में से एक बोल दिया कि इसको खारिज करो, तो हो जाएगा। 10 का बात कोई नहीं सुनेगा, एक का सुनेगा। इस तरीके से वीटो पावर का अधिकार होता है। बाकी आप जाओ 11-12 में तो बहुत अच्छे से इसका क्लियर पढ़ोगे, ठीक है ना। और क्या है इसका, वीडियो के लास्ट में तो मिल जाएगा। अब यहाँ से देखोगे तो इसका बड़ा बड़ा उत्तर है, इसलिए वीडियो के लास्ट में उत्तर मिलेगा, ठीक है ना। तो फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है ये देखना होगा। और यहाँ पे गुमास्ता के दो महत्वपूर्ण कार्य लिखना होगा। डायमंड सूत्र क्या है ये आपको वीडियो के लास्ट में उत्तर मिलेगा। ये आप देखोगे तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, जो कि मुद्रा क्रांति से आप क्या समझते हैं। निरंकुश बात शब्द का अर्थ लिखना होगा। प्लेटन के बारे में दो लाइनें लिखना होगा। मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों को लिखना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो आपको यहाँ पर लिखना प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, बहुत इजी है, 16 नंबर है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिख लेना अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। वनों की कटाई करने के कोई 3 परिणाम लिखना होगा। आरक्षित वनों के से क्या तात्पर्य है समझना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संघात्मक शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखना होगा। ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्व सहायता समूह के कोई 3 कार्य लिखना होगा। अथवा नंबर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 कार्य लिखना होगा। इसके बाद आपको भारत में मानव चित्र में निम्नलिखित को दर्शाना होगा। काली मिट्टी क्षेत्र, छोटा नागपुर, कपटाल, लद्दाख, थार, कमरुस्तर, इन सभी को दर्शा देना है। बाकी आपको अगला देखते हैं भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना होगा, क्योंकि ये आपको सभी छोटे छोटे से दिख सकते हो। असहयोग आंदोलन कोई 4 कारण लिखना होगा। असमज्ञा आंदोलन बताना होगा। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर, चलिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। फाइनली विद्यार्थियों अपना उत्तर देख लेना, मैंने पेपर दिखा दिया, अब यहाँ पे उत्तर देखना है। सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला नंबर में चीनी उद्योग हो जाएगा, दूसरा नंबर में सड़क परिवहन, तीसरा में जलियावाला बाग हत्याकांड, चौथा में ग्राम पंचायत, और पांचवा में गलत
सकल घरेलू उत्पाद और यहाँ पे 94%। इसके बाद आपको रिक्त स्थान हो जाएगा जो कि मैंने वहाँ पर बोला था, तो आपको लिखना होगा। पहले नंबर में महात्मा गांधी, दूसरा नंबर में पाइपलाइन, तीसरा नंबर में 1942, चौथा नंबर में भारत, पाँचवा में मनरेगा, छठवा में मेयर जो कि मैंने बोला था। सही जोड़ी बनाना है, पहला का लिखना होगा वन कटाई और ये आपको सीधा सीधा लगा लेना है, ठीक है ना, मैंने पहले बता दिया था सीधा सीधा। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन 77, पहला का आपका हो जाएगा 7 7 7 7 7 एक असत, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ये आपको हो जाएगा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, पहला लिखना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से स्क्रीन शॉट। अब यहाँ से स्क्रीन शॉट लीजिए 6 और 7 और 7 का अथवा ले लीजिए, ये 7 का अथवा हो गया, ये 8 और 8 का अथवा ले लीजिए, और यहाँ पे 9 9 का अथवा, 10 10 का अथवा, 10 ले लीजिए अथवा 12, ये 10वां और 11वां एक साथ लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे 12 और 12 का अथवा 13 लीजिए, इसके बाद 13 का अथवा है, 14 है 14 का अथवा, ये 15 है। इसके बाद आपको 16 नंबर ले लीजिए 16 का अथवा, 17 नंबर 17 का अथवा, 18 नंबर 18 का अथवा, 19 नंबर 19 का अथवा, 20 नंबर 20 का अथवा। ये विद्यार्थियों आपको मैंने उत्तर भर के लाया हूँ। लद्दाख कहाँ है, ये लद्दाख आपको चाइना के बगल में दिखने को मिलेगा यहाँ। इसके बाद आपको यहाँ पर ये रहा, देख सकते हो, ये आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, तो ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको हो गया अच्छे से देख लेना है, और 21 नंबर, तो विद्यार्थी ये हो गया 21 नंबर, 22 नंबर देख सकते हो इसको, और 22 का अथवा 23 नंबर, 23 का अथवा ये देख लेना है। तो विद्यार्थी मैंने बता दिया, आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आपको मैं बता दूँ कि आज सब्जेक्ट का पेपर का वीडियो बन चुका है, तो इस वीडियो के कमेंट में मिल जाएगा लिंक, जाकर देख लेना सही वीडियो की लिंक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।